देश में सियासी पारा हाई है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी भी सरकार की स्थिरता सवालों के घेरे में है। तो वहीं उपचुनाव का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच बीजेपी में आंतरिक कलह बढ़ती हुई नजर आ रही है। पार्टी के अपने ही दिग्गज नेता, कोई सांसद तो कोई मंत्री, बीजेपी की सरकार की खामियां उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने नेताओं के बयानों से जहां बीजेपी मुश्किल में नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष ने भी बीजेपी को घेर लिया है। तो क्यों अपने ही नेताओं के बयानों पर घिरी बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, तो इस बीच बीजेपी नेताओं के बयान भी सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार पर जमकर बरसे। योगी सरकार को लेकर उनके बयान के ये वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर करारा हमला बोला है। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। भाजपा राज में तहसील और थाने के अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार पर भाजपा के लोग ही जब प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो क्या इस अकल्पनीय भाजपाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए और कुछ सबूत चाहिए? अब देखते हैं बुलडोजर किस ओर मुड़ता है। इस बयान पर सियासत थमी नहीं थी कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार पर भी सवाल खड़े हो गए। यहां भी बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद रह चुके रघुनंदन शर्मा के बयान ने हलचल मचा दी है। रघुनंदन ने कहा कि आपने एक छोटी सी झील की सफाई का अभियान शुरू किया है, आपको सरकार और प्रशासन में एक बड़ा सफाई अभियान चलाना होगा, क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी है। वो गंदगी दिखाई नहीं देती क्योंकि वो शरीर के नीचे छिपी होती है। मुझे विश्वास है आप अपनी अपार ऊर्जा तथा दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से इसे साफ करने में सक्षम हैं। बता दें कि जल्द ही अगले दौर के उपचुनावों की घोषणा होने वाली है, जिनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार पर उठते सवाल बेहद चिंताजनक नजर आ रहे हैं। इनका असर उपचुनावों के नतीजों पर भी दिखाई दे सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।